महिला शिक्षण एवं ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित 152वीं गांधी जयंती का कार्यक्रम बचत भवन कलेक्टर ऑफिस सिविल लाइन में मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी विमला आर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी विमला आर ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्श और दर्शन किसी भी अन्य समय की तुलना में आज अधिक प्रासंगिक है। लोग सोचते हैं कि महात्मा गांधी का अहिंसा का आदर्श कमजोरी है। कई लोगों की यह धारणा है कि अहिंसा कमजोरी है, लेकिन यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण पर भी जोर दिया और कहा कि यह लाभकारी रोजगार चाहने वाले युवाओं के लिए एक जीवन रक्षक है। इस कार्यक्रम के दौरान DDUGKYE आतिथ्य व्यापार के नए बैच का उद्घाटन, प्रशिक्षित छात्रों के लिए रोजगार पत्र का वितरण और मुख्यमंत्री महा आरोग्य कौशल्या विकास प्रशिक्षण के तहत चिकित्सा उपकरण प्रौद्योगिक सहायक पाठ्यक्रम का उद्घाटन और किट वितरण किया गया। लाइफ में जो धैर्य है, स्थिरता है, कंपैशन है, काम करने की इच्छा है, जहां भी हमको ये हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हम किसी पद या विशिष्ट पदवी पे काम करें। हम जहाँ हो अगर हम वो बदल ला सकें, हमारे क्षेत्र में अगर हम वो बदल ला सकें, तो ही हमारा जीवन परिपूर्ण और अर्थपूर्ण हो सकता है। तो मैं अभी सभी जो बच्चे यहाँ पर हैं, मैं आपसे यही आपसे इच्छा व्यक्त करती हूँ कि आप लोग सब अच्छी तरह से पढ़ें, आपके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें, इस प्रोग्राम का नाम जो DDUGKYE दीनदयाल उपाध्याय जी का 3 दिन पहले हमने जयंती यहाँ पर मनाया था। तो ऐसी व्यक्तिमत्व जो सादगी के साथ एक विशिष्ट रूप तक जहाँ तक पहुँचती है, और महात्मा गांधी जी की इतनी सारी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं जिन्होंने आपको बड़े बड़े त्याग और सैक्रिफाइसेस करके दिखाया कि लाइफ में नॉन वायलेंट तरीका हो या सत्याग्रह के मार्ग से आगे हम कैसे बढ़ सकते। और आज जो आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, 75वीं जो हमारी जो साल है हमारा अमृत महोत्सव का, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इतनी सारी लड़कियों के साथ और बच्चों के साथ, विशेषकर युवती और युवक के साथ, एक नया आदर्श आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए कि जो हमारे जो नेताएँ हैं जिन्होंने हमारे लिए जो अपनी बलिदान दी है, उनकी आहुति दी है, प्राणों की, और हमारे लिए जो किया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी विमला आर, डॉक्टर अनीस अहमद पूर्व कैबिनेट मंत्री, योगेश कुंभलकर CEO जिला परिषद, पी हरडे असिस्टेंट कमिश्नर, विवेक इल्मी प्रोजेक्ट डायरेक्टर नागपुर, भाग्यश्री भोयर BUMM DRDA नागपुर, शेख हसनैन शाकिर सदस्य वक्फ बोई, अतुल कोटेचा अध्यक्ष उन्नति फाउंडेशन, डॉक्टर SM राजन, तुषार मेश्राम, मुमताज अली आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।